सत श्री अकाल जी, मैं स्वाति सक्सेना पंजाबी खबरां वेख रहे आप सब दा स्वागत कर दी। खबरां शुरुआत करांगे पर उस तरंजन हेडलाइन से। किसान आंदोलन दा अज 27वां दिन, अज किसान जथेबंदियां लैणगियां वड्डा फैसला। सिंघ बॉर्डर ते संयुक्त किसान मोर्चा दी बैठक। अज अंबानी ने घर का घिराओ करनगे किसान, कहा जिथे रोकोगे उत्थे ही गाजीपुर बना देवांगे। आम आदमी पार्टी पंजाब का कैप्टन ते वड्डा बयान, कहा केंद्र नूं खुश करने लई किसानी अंदोलन खिलाफ तुगलकी फरमान जारी कर रहे ने कैप्टन। हुण खबरां विस्थार नाल। दिल्ली दीआं सरहदां ते डटे किसानां दा अंदोलन अज दा 27वां दिन है। तीनों खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग नूं लै के दिल्ली दी सिंघू सरहद ते किसानां दा धरना प्रदर्शन लगातार ही जारी है। किसानां दा कहना है कि जदों तक सरकार इन्हां खेती कानूनां नूं वापस नहीं लैंदी उदों तक साडी लड़ाई जारी रहेगी। खेती कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर से डटे किसानों महीना होने वाला है। अजे भी सरकार ते किसानों विचाले सहमति नहीं बन सकी है। इस दौरान अगले दौर की गलबात लैके सरकार वालों भेजे प्रस्ताव से किसान संगठन अज बैठक कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अब सिंघू बॉर्डर से हो रही है। उधर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की अगवाई में किसान आज मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर का घिराव करेंगे। नाल ही किसान उन्हां तो खेतीबाड़ी में कारपोरेट की लोड़ तो ज्यादा दखल रोकने की अपील करेंगे। इस दौरान उन्होंने अंदोलन कर रहे किसानों की समस्याओं का जाणू करवाया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के प्रधान VM सिंह ने कहा है कि किसान मुकेश अंबानी नाल गलबात करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्होंने किसानों की परेशानियों को जाणू करवाया जा सके। VM सिंह ने कहा है कि किसान मुकेश अंबानी तो यही अपील करेंगे कि नवे खेती कानून किसानों के हित में नहीं ने, लिहाजा कारपोरेट अपना कदम पीछे कर लैन। VM सिंह ने किसानों को जगह जगह रोकने सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अपना दर्द लेके किसान इतने आ रहे हैं, उन्होंने ना रोकया जाए। उन्होंने कहा है कि किसान 400-400 किलोमीटर तो इतने आ रहे हैं, उन्होंने हर जगह रोकया जा रहा है। किसान शांतिपूर्ण ढंग अंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिथे किसानों रोकया जाएगा उस जगह नूं गाजीपुर बना दिता जाएगा। गाजीपुर सरहद की तरह उत्ते ही लंगर चलेगा, उत्ते ही किसानों का डेरा लगेगा। आम आदमी पार्टी पंजाब ने कहा है कि हक हकूकों लिए आवाज बुलंद करने वाले आंदोलनकारी विरुद्ध सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देश के प्रधानमंत्री मोदी नाल मोदी वाली सोच रखन अते पहुंच सकते हैं। किसान अंदोलन नूं कुचलन लिए कैप्टन सरकार भी केंद्र सरकार वर्गे होचे हथकंडे अपना रही है ताकि मोदी साहब नाराज ना हो जान। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पार्टी के किसान विंग के सूबा प्रधान अते विधायक कुलतार सिंह संधवा ने संगरूर जिला प्रशासन वालों 9 दिसंबर नूं जारी किए गए एक पत्र की कापी मीडिया नूं पेश करदे कहा है कि कैप्टन सरकार का यह तुगलकी फरमान किसान अंदोलन नूं कमजोर करन अते मोदी सरकार नूं खुश करन दा एक नमूना है। पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल खिलाफ जिला अदालत में चल रहे मानहानि के केस में सुखबीर बादल ने पेशी तो छोड़ देने संबंधी अदालत में पटीशन दाखिल की है। पटीशन में उन्होंने केस का ट्रायल खत्म होने तक उन्होंने पेशी तो छोड़ देने की मांग की है। दर्ज पटीशन में सुखबीर ने कहा है कि उन्हों का पुत्र दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है और वह पंजाब के बादल पिंड रहते हैं, इस कारण उन्हों का चंडीगढ़ में आना बहुत घट होंगे। सरकार ने उन्होंने Z+ सुरक्षा दी है। जेकर वह हर पेशे में पेश होने लिए अदालत पहुँचे तो इस दौरान अदालत में होर कानूनी कार्रवाई में विघन पै सकता है। जेकर इसके बावजूद उन्होंने अदालत में लोड़ होती है तो वह अपने वकील नूं अधिकार देंदे ने कि उन्होंने वकील की हाजिरी में अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। इस विच उन्होंने कोई इतराज नहीं है। पटीशन से सुनवाई लिए अदालत ने 18 जनवरी की तारीख तय की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार तो देश के सारे नागरिकों लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के इस दौर में सूबे की हालत वैक्सीन का खर्च चुकने लायक नहीं है, लिहाजा केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगाने की स्पष्ट घोषणा करे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ठीक समय से जानकारी देने वाले लोगों विचाले वैक्सीन की कीमत और उपलब्धता बारे
ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद दो 280 सीटों लिए वोटों की गिनती अज हो रही है। राज्य चोन कमिश्न के अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में 8 पड़ावों में हुई इन चोणों में कुल 4181 उम्मीदवार चोन मैदान में ने, जिन्हों 450 तों वध औरतां उम्मीदवार मैदान में सन। वोटिंग का पहला पड़ा 28 नवंबर होया सी, 8वां अते आखिरी पड़ा 19 दसंबर होया सी। कुल मिला के इन चोणों में 57 लाख योग वोटर 51% ने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज 2 अतवादियों ने सुरक्षा बलों नाल मुकाबले तो बाद सरेंडर कर दिता है। दोवें लश्कर के अतवादी ने मुकाबले दौरान दोवें अतवादियों के परिवारों को बुलाया गया से। परिवारों ने दोवें अतवादियों को सरेंडर करने की अपील की। इस अपील को मानदिया दोवें ने सरेंडर कर दिता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दस कि अतवादियों को 2 पिस्तौल से कुछ गोला बारूद बरामद हो। इंटरनेशनल सिख ब्रदरहुड के प्रधान और दिल्ली के प्रसिद्ध सिख नेता बख्शी परमजीत सिंह जो 18 दिसंबर 2020 काल चढ़ाना कर गए सन, उन्होंने नियमित अंतिम अरदास गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब विखे भाई लखी शाह वंजारा हाल विखे अज दोपहर 12:30 तो 1:30 तक होगी। काबिले गौर है कि बख्शी परमजीत सिंह ने अपने पिता बख्शी जगदेव सिंह के पाए पूर्णिया से चलदिया सारी उम्र पंथ की सेवा की। इन्हां दे भ्राता बख्शी कवलजीत सिंह 15 सालों तो न्यूजीलैंड के मैंबर पार्लीमेंट ने। बख्शी परिवार ने विश्व भर में नामना खटिया। बख्शी परमजीत सिंह चौडीगला ग्रुप के चेयरमैन सरदार जगदीत सिंह दर्दी के नज़दीकी रिश्तेदार सन। इन्हां दी धर्मपत्नी बीबी मनदीप कौर बख्शी दिल्ली के कौंसलर रहे ने अते श्रोमणी अकाली दल के इस्त्री विंग के दिल्ली इकाई के प्रधान भी रहे ने। उन्हां दा संस्कार दिल्ली विखे किया गया। अदारा चौडीगला बख्शी परमजीत सिंह के अकाल चलाना कर जान ते गहरे दुख का प्रगटावा करता है अते अरदास करदे कि परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणा विच निवास बख्शे ते परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शे। फिलहाल इस बुलेटिन में इन्ना ही। जांदे जांदे नज़र मारते हैं भारत के मौसम के हाल ते वैदर ब्रांडिंग पावर्ड बाय गोदरेज ईजी लिक्विड डिटर्जेंट।